दोस्तों, रिसर्च बताती है कि एक एवरेज इंसान अपनी लाइफ का 1/3 टाइम केवल सोने में स्पेंड करता है। और अगर हम एवरेज 75 और एवरेज स्लीप टाइम 8 आवर्स मान लें, जो कि साइंस भी रिकमेंड करती है हमारी हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए, तब एक पर्सन अपनी लाइफ के 25 साल केवल और केवल सोने में स्पेंड करता है। हाँ, अभी सुनने में थोड़ा शॉकिंग जरूर लग रहा होगा, लेकिन वही साइंस ये भी बताती है कि हम अपनी स्लीप को मैनिपुलेट करके अपने स्लीपिंग टाइम को कम जरूर कर सकते हैं और इसके साथ साथ एक हेल्दी लाइफ स्टाइल भी जी सकते हैं। सो, अगर हम इन्हीं आवर्स को सिक्वेंशनली कम करते हैं और 8 की जगह अगर 7 करते हैं तो तब आपका स्लीपिंग टाइम होगा लगभग 21 साल, और अगर 6 करते हैं तो लगभग होगा 18 साल, और अगर 5 करते हैं तो तब होगा 15 साल, एंड सो ऑन। और अगर आप मेरी तरह ही सोचते हैं कि बचपन और बुढ़ापे में कितना भी सोएं क्या फ़र्क पड़ता है, तो इसलिए हम अगर 1 से लेके 20 और 40 से लेके 75 की एज निकाल भी देते हैं और केवल 20 से लेके 40 की एज तक ही केवल 5 घंटे सोते हैं, तब आप 4 साल कम सोएंगे उस एक इंसान से जो 8 घंटे सोता है। अब शायद मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इन 4 सालों में आप क्या क्या कर सकते हो। अगर इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो इन 4 सालों में आप इतनी बुक्स पढ़ सकते हो जो आपको किसी भी फील्ड में एक सक्सेसफुल इंसान बनाने के लिए काफ़ी हैं और आपके आसपास के लोगों से आपको काफ़ी आगे ले जा सकती हैं। और शायद यही डिफरेंस होता है एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इंसान के बीच। सक्सेसफुल इंसान सेक्रीफाइस और हार्डवर्क करते हैं, और वहीं अनसक्सेसफुल इंसान जैसा चल रहा होता है वैसा ही चलने देते हैं। और अगर आप देखें तो थ्रू आउट द हिस्ट्री ऐसा लोगों ने किया भी है। अगर इसका एग्जाम्पल दूँ तो इन्वेंटर निकोला टेस्ला केवल 2 घंटे ही सोते थे, और इतना कम सोने के बाद भी उन्होंने एक हेल्दी लाइफ स्पेंड की। और न केवल निकोला टेस्ला ही, बल्कि फेमस पेंटिंग मोनालिसा के पेंटर लियोनार्डो दा विंसी, नेपोलियन बोनापार्ट, थॉमस एडिसन, विंस्टन चर्चिल, इन सब लोगों ने मिनिमम अमाउंट स्लीप लेने के बावजूद भी एक हेल्दी और सक्सेसफुल लाइफ स्पेंड की। क्योंकि यार, सिंपल सी बात है, अगर आप कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में तो आपको कहीं ना कहीं तो सेक्रीफाइस करने ही होंगे, और उसमें सबसे पहली चीज़ आती है आपकी नींद और आपका आराम। इसलिए आज हम बात करेंगे पॉलीफेजिक स्लीप के बारे में, जिससे आप अपनी स्लीप से एटलीस्ट कुछ टाइम तो कम कर सको और अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने गोल्स को दे सको। सो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है मोनोफेजिक स्लीप साइकिल। अगर आप थ्रू आउट द डे केवल एक ही बार सोते हैं, चाहे वो 6 आवर हो या 9 आवर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब ऐसे स्लीप साइकिल को बोलते हैं मोनोफेजिक स्लीप साइकिल। नेक्स्ट आता है बायोफेजिक। अगर आप अपने स्लीप शेड्यूल में थोड़े से चेंजेस करके 8 आवर सोने के बजाय बस 5 घंटे ही सोते हैं और थ्रू आउट द डे कभी भी एक 90 मिनट्स की पावर नैप लेते हैं, तब ऐसे स्लीप को बायोफेजिक स्लीप बोलते हैं। बायोफेजिक स्लीप में आप टोटल 6.5 आवर सोते हैं और अपने स्लीप साइकिल से लगभग 1.5 आवर्स कम कर देते हैं। और आपको बता दूं, ये स्लीप साइकिल बिल्कुल हेल्दी है और दुनिया में मोस्टली लोग ये स्लीप साइकिल फॉलो करते हैं, और ये स्लीप साइकिल पॉलीफेजिक स्लीप साइकिल की फर्स्ट स्टेज भी कहलाती है। नेक्स्ट आती है एवरीमैन स्लीप साइकिल। इस स्लीप साइकिल में आपकी मेन स्लीप 3 घंटे की होती है और इसके साथ साथ 20-20 मिनट की 3 नैप्स थ्रू आउट द डे आप लेते हैं, मतलब इस स्लीप साइकिल में आप टोटल 4 घंटे ही सोते हैं। नेक्स्ट आती है डायमेक्सिकॉन। अब ये सुनने में थोड़ा क्रेजी लग सकता है, क्योंकि इस स्लीप साइकिल में आप हर 6 घंटे के बाद केवल एक 30 मिनट की पावर नैप लेते हो, मतलब पूरे दिन में केवल 4 नैप्स। खासे करना इतना आसान होता। बाय द वे, लास्ट आती है उबामैन। उबामैन स्लीप साइकिल डायमेक्सिकॉन स्लीप साइकिल से काफ़ी मिलती है, और इस स्लीप साइकिल में भी आप केवल 2 घंटे ही सोते हैं, लेकिन इस स्लीप साइकिल में आप हर 4 घंटे के बाद एक 20 मिनट की पावर नैप लेते हो, मतलब थ्रू आउट द डे 6 नैप। और अगर आप ऐसा किसी तरीके से कर सको तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी कहाँ होगी। और जो नाम मैंने आपको बताए थे वो सब उबामैन स्लीप साइकिल फॉलो करते थे, इसलिए तो वो दुनिया के लिए इतना कुछ कर पाए। अब मैं आपको ऐसा करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप बस आज से ही 2 घंटे सोना चालू कर दो। मैं बस आपको इतना बोल रहा हूँ कि आप एटलीस्ट कुछ टाइम तो अपनी नींद से कम कर सको। सपोज अगर आप केवल 30 मिनट्स भी कम करते हो तो लगभग एक मंथ में आप 15 घंटे सेव कर सकते हो, और ये 15 घंटे आप किसी न्यू हॉबीज़ को सीखने या बुक्स पढ़ने में भी दे सकते हो, जिससे एटलीस्ट कुछ ना कुछ अच्छे चेंजेस तो आपकी लाइफ में आएंगे ही। मैं पर्सनली भी पॉलीफेजिक स्लीप फॉलो करता हूँ, लेकिन मैं एटलीस्ट 5 घंटे की नींद के साथ साथ 30 मिनट्स मेडिटेशन भी करता हूँ, जो कि इस स्लीप में ज़रूरी भी है। अगर सोने के पीछे की साइंस बताऊँ तो सोने की सबसे लास्ट स्टेज होती है REM स्लीप, मतलब रैपिड आईज मूवमेंट स्लीप। इस स्टेज में आपको ड्रीम्स आते हैं और आपकी बॉडी टेम्परेरली पैरालाइज हो जाती है,
और जिनकी नहीं होती उन्हें आपने रात में इधर उधर हाथ पर फेंकते देखा भी होगा। और ऐसे लोग नींद में भी चलते हैं क्योंकि उनकी बॉडी ड्रीम्स पर रिएक्ट कर रही होती है। इस स्टेज में आपका ब्रेन टॉक्सिक रिमूव करता है जो थ्रू आउट द डे आपके ब्रेन में बनते हैं ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग आप फ्रेश उठ सको। जनरली 90 मिनट्स लगते हैं एक एवरेज इंसान को इस स्टेज में पहुंचने तक, लेकिन जो लोग इस स्लीप में जल्दी पहुंच जाते हैं उन्हें उतना ही कम सोने की ज़रूरत होती है और पॉलीफेजिक स्लीप में आप ऐसा ही करते हैं। सो अब जानते हैं कि रिसर्चेस पॉलीफेजिक स्लीप के बारे में क्या बोलते हैं। रिसर्च बताती हैं कि जो इंडिविजुअल्स 4 घंटे से कम और 8 घंटे से ज़्यादा सोते हैं उनके डेथ रेट यानी मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू उन लोगों के जो 6 to 7 hours होते हैं। सो ज़्यादा सोना भी खतरनाक हो सकता है। इन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, सांस और पुअर हेल्थ जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। नासा के हुए एक रिसर्च में उन्होंने पॉलीफेजिक स्लीप को हेल्दी बताया है और नासा के एस्ट्रोनॉट्स खुद भी पॉलीफेजिक स्लीप में ही सोते हैं। और न केवल नासा के एस्ट्रोनॉट्स बल्कि US नेवी, इटालियन नेवी के सोल्जर्स, कैनेडियन नेवी, ये सब पॉलीफेजिक स्लीप में ही सोते हैं। और दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं उनमें से ज़्यादातर एनिमल्स पॉलीफेजिक स्लीप में ही सोते हैं। रिसर्च ये भी बताती हैं कि छोटे नैप्स के बजाय बड़े नैप्स ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, जैसे कि 90 मिनट से 120 मिनट्स का नैप। ये नैप्स हमारे ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शन, मेमोरी, अलर्टनेस और विजिलेंस को इम्प्रूव करती हैं। एट द लास्ट, अपने स्लीप शेड्यूल में कोई भी चेंजेस करने से पहले खुद से भी रिसर्च जरूर कर लें या किसी डॉक्टर से सलाह जरूर कर लें, क्योंकि हमारे स्लीप पैटर्न में किए गए छोटे से भी चेंज से इसका हमारी लाइफ पर बहुत इफेक्ट हो सकता है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि मैं ऐसी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।